राजनांदगांव जिले में हल्दी सुरगी और मोहला की जीरा टोला से टेंगली पार सड़क में लाखों का भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आंख में काली पट्टी बांधकर पीडब्ल्यूडी विभाग की शिकायत कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से सौंपी है। जनता कांग्रेस ने हल्दी सुरगी सड़क और नए जिले मोहला मानपुर की 12 करोड़ लागत की जीरा टोला से टेंगली पार और NH 930 खैरकट्टा से चिकलाक्सा के GSB ड्रेनेज लेयर नियमानुसार नहीं होने की जांच की मांग की है। जनता कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष शमसुल आलम ने कहा कि लोग का भ्रष्टाचार निर्माण विभाग बन के रह गया है, यह रोज नए नए भ्रष्टाचार उजागर होते हैं। हम हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम राजौंद जिले के ग्राम सुरगी सहदी और नया जिला मार्ग मोहला के ग्राम जीरा तोड़ा से पीरिंग पार और नवनिर्मित जो NH 930 ग्राम खैरकट्टा से चिगले कसा, ये दोनों ही सड़क 12 करोड़ की लागत से बनाई गई है, जिसमें GSB ड्रेनेज लेयर का काम जो है बिल्कुल भी नियमानुसार नहीं किया गया है, जिसकी शिकायत हमने पूर्व में की गई थी और जाँच की मांग हमारे द्वारा की गई थी। लेकिन आप जानते हो यहाँ के अधिकारी जांच नहीं करवा रहे, क्योंकि उनको सबको पता है कि इसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए वो जांच नहीं करवा रहे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि राजौंद जिले के समीप हल्दी और सुरगी में कागजों में सड़क बना दिया गया है, हैं? अब देखो इतना जमकर भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं, तो सोचो 12 करोड़ की लागत में लोग कितना बड़ा भ्रष्टाचार करेंगे, ये सोचने का विषय है और समझने का विषय है। मैं कई बार हम लोग इसमें ज्ञापन दे चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं और जाँच की मांग कर चुके हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार के अधिकारी जो है भ्रष्टाचार बिल्कुल और बिल्कुल जांच करा रहे, अधिकारी को किसी के डर नहीं है, भय नहीं है। इसमें तो आपको बताना चाहूँगा सुरगी मामले में तो खुद कांग्रेस के लोग ही शिकायत कर रहे हैं, तो सत्ता सरकार में बैठे उन्हीं लोग शिकायत कर रहे हैं, तो इनको ना सत्ता सरकार का भय नहीं है, इनको सिर्फ अपना जेब बस भर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको मैं बताना चाहूँगा कि अधिकारी विषम हो गए हैं, लेकिन हम निरंतर जब तक दोषी को कार्रवाई नहीं होगा, जब तक हमारा आंदोलन चरणबद्ध जारी रहेगा, हम अभी वापस लोक निर्माण विभाग का घिराव करेंगे, एनसीओ ऑफिस का भी घिराव करेंगे और जब इनके मंत्री दामोदर साहू जी यहाँ पे पहुँचेंगे, उनका भी घिराव हमारे द्वारा किया जाएगा। हम लगातार चरणबद्ध आंदोलन इसमें जारी रखेंगे जब तक दोषियों के ऊपर कार्रवाई